मेहंदी का उपयोग आपने अमूमन शादी ब्याह में करते हुए देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि इसी मेहंदी से पेंटिंग भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, इसका उपयोग मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्टूडेंट ने पेंटिंग बनाने में किया है। यह कोई आम पेंटिंग नहीं है, इस पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। खास बात यह है, बालाजी की इस पेंटिंग को स्टूडेंट ने 3 महीने में भजन सुनते सुनते तैयार किया है। दीक्षा ने बताया, इस पेंटिंग को बनाने में 2 किलो मेहंदी का उपयोग हुआ है। यह मेहंदी दीक्षा ने अपने घर में ही बनाई थी। पेंटिंग में बारीकी से काम भी किया गया है। मेहंदी से बनी इस पेंटिंग का आकार 9 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसके पहले भी दीक्षा ने कई पेंटिंग को तैयार किया है। वीडियो में देखा जा सकता है किस प्रकार दीक्षा ने बारीकी से पेंटिंग को बनाया हुआ है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी दीक्षा ने लोकल 18 से क्या बताया, सुनिए। मैंने मेहंदी से तिरुपति बालाजी महाराज की पेंटिंग बनाई है, जो कि 9 फुट लंबी है और 6 फुट चौड़ी है। इसको बनाने में कम से कम मुझे नहीं तो 3 महीने लग गए और इसमें 2 किलो मेहंदी लगी है और इसको मैंने शीट को जोड़ के बनाया हुआ है। आइवरी शीट को 12 शीट को जोड़ के बनाया है। और सबसे बड़ी विशेषता मैं इस बात बता दूं आपको, मैंने तिरुपति बालाजी को कभी मतलब ऐसे सामने से कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान अधूरे भक्त के बिना, तो सर सही, तो ये बात सही है बिल्कुल भी। मैंने तिरुपति बालाजी का ध्यान करके, जाप करके, उनका भजन सुनते सुनते पेंटिंग बनाया है। ये पेंटिंग मैंने कभी देखी नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है प्रभु को मतलब याद करके। अगर मैं कह लूँ कि इसमें मेरा कितना प्रतिशत हाथ था, तो 75% जो कह लूँ तो वो प्रभु का हाथ था। इनका साथ उन्होंने दिया मुझे, 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस देना पड़ता था। अब कह सकते हैं UPSC की तैयारी करना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट देना बराबर था, तो आज जाके वो ये मुकाम मुझे हासिल हुआ कि आज मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। दीक्षा का कहना है, रिकॉर्ड बनने के लिए ही टूटते हैं। अब अगली मेहंदी बनाकर वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगी, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बहरहाल गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनने से दीक्षा और दीक्षा का परिवार काफी खुश है। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।